ग्राफिकली सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, 6.2 का इंट्रो पार्ट है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वलिटीज इन टू वेरिएबल। अगर मैं इस क्वेश्चन में इन इक्वलिटीज हटाता हूँ, तो क्लास 10th में हमने ये पढ़ा था कि अगर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 मान लो ये क्वेश्चन है, तो आपसे कहा गया था कि इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन बताइए, मतलब x की जगह और y की जगह से क्या वैल्यू पुट करें कि जिसको सॉल्व करके आंसर 4 आ जाए इसका। तो क्या करते थे, इसका x की जगह 0 पुट करते थे, y की जगह, इस तरीके से हम लोग ग्राफ बना देते थे और इस ग्राफ पे जो भी पॉइंट्स आते थे वो सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे। ये तो पढ़ा था क्लास 10 में चैप्टर 3 में, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं इन इक्वलिटीज, यहाँ पे आपको इक्वल टू का साइन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको इन इक्वलिटीज के साइन देखने को मिलेंगे आपको। तो इससे पहले एक चीज़ बताओ आप जरा मुझे, कि अगर कोई भी हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है और हमने कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, तो इस लाइन ने इस ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, इसे अपर बोल दो या लोअर बोल दो कैसे भी। तो इन सब का यूज़ करके मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा, इस पूरे क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन लूंगा और उसके थ्रू ये सारा कंसेप्ट समझाऊंगा कि इसमें है क्या, तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके बुक का ही एक एग्जांपल या कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है उस पर हम नहीं जाएंगे, क्वेश्चन लेके सारा समझा देंगे। अब जैसे ये एक सिंपल सा ले लिया हमने कि 4x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12। अब कह रहे हैं आप मुझे x और y की ऐसी वैल्यू बताइए, 1, 2, 3, 20 जो भी जो यहाँ पुट करें, तो इसका आंसर या तो 12 आए या फिर 12 से कम आए। ग्राफिकली सॉल्व करना है इसको, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं इसका जो भी कंसेप्ट है ना वो सारा बता दूंगा इसी में। तो देखिए सबसे पहले तो एक कार्टेशियन प्लेन लो आप। अब एक बार को ये भूल जाओ कि यहाँ पे लेस देन वगैरह साइन है, इसका इस तरीके से ग्राफ बना दो, इसको लेके ग्राफ बना दिए इसका। तो चलिए अच्छा भैया, एक्स और वाई, एक्स की जगह रखा 0 तो 6, वाई कितना आएगा 6, और वाई की जगह रखा 0 तो एक्स कितना आएगा 3। तो चलिए अच्छा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब कह रहे हैं x पे जाओ 0, y पे जाओ 6, x पे जाओ 0, y पे जाओ 6, 0 कॉमा 6 यही होगा। अब कह रहे हैं x पे जाओ 3, y पे जाओ 0, इस तरीके से, और इस से मैंने इसको मिला दिया ये इस तरीके से, ये इस तरीके से मैंने मिला दिया। तो ये किसकी इक्वेशन बन गई, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, ये इसकी इक्वेशन बन गई। लेकिन हमारे पास साइन किसका था, लेस देन और ग्रेटर। एक चीज़ और क्लियर कर दूं यहाँ पर, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होता, केवल लेस देन होता, तो ये जो लाइन ड्रॉ की, इसको डॉटेड ड्रॉ करते, डॉटेड इस तरीके से डॉटेड, क्योंकि ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी इसमें, डॉटेड ड्रॉ कर ड्रॉ करते इसमें, ठीक है, डॉटेड। अगर इक्वल टू का साइन है तो हम इसको इंक्लूड करेंगे, क्लियर है, ये बस इतना थोड़ा सा अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल टू का साइन है तो इस लाइन पर जो पॉइंट्स होंगे वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब लेकिन लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है तो इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ये होता है इसका मतलब। तो चलिए मैं भी इसी को लेके बता, अब क्या किया है, इस लाइन ने इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक इसके नीचे का और एक इसके ऊपर का, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। तो एनसीईआरटी ने क्या चीज़ बताई है, वो ये कहते हैं कि आप या तो फर्स्ट पार्ट में कोई कोऑर्डिनेट ले लो या आप सेकंड पार्ट में कोई भी कोऑर्डिनेट एक ले लो। तो एक बात सुनो, बहुत एनसीईआरटी ने कहा है कि अगर आप सिंपल सिटी के लिए क्या इस लाइन के इधर एक कोई कोऑर्डिनेट ले लो, मैं इसको ले लेता हूँ ना 0, 0, कितना सिंपल रहेगा, आप 0, 0 ले लीजिए, 0, 0 लेने में कोई नहीं, लेट इट बी, चलिए अच्छा। तो देखो अब इस, ये लोग कहते क्या हैं कि इस लाइन के अपर वाले पार्ट में या लोअर वाले पार्ट में एक कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, आप कई सारे कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, 1, 1 भी आएगा यहाँ पे, ठीक, 1, 2 भी आएगा, 1, 3 भी आएगा, कोई भी ले लो, लेकिन सबसे सिंपल क्या चीज़ दिख रहा है कि इसके अंदर 0, 0 होगा
सही बात है। अब ये 0,0 यहाँ पुट करो इस वाली इक्वेशन में, एक्स की जगह 0 प्लस वाई की जगह 0। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स सही होता, बस ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, 0 छोटा नहीं पा रहा से, ट्रू है ना। अगर कंडीशन ट्रू है, आपने क्या किया, इस लाइन के इधर एक पॉइंट लिया और कंडीशन ट्रू हो गई, कहने का मतलब क्या, इस लाइन के इस तरफ जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे इधर इस लाइन के इस तरफ, वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, सारे एक नहीं सारे, देखो कैसे है? मैं कई सारे एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। क्या इस लाइन के इस तरफ इस ये 0,1 होगा, सही बात है, रख के देखो x की जगह 0 और y की जगह 1, तो 2 इंटू देखो कंडीशन सेटिस्फाई, सही बात है, 2 छोटा है 12 से, यस और नो। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपने जिस डायरेक्शन में पॉइंट लिया है उसके उधर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो कह रहे ग्राफिकली सॉल्यूशन, हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्राफिकली सॉल्यूशन बता सकते हैं। ऐसे ही 1,1 होगा, सही बात है, इसके इधर यहाँ कहीं पे मान लो ये -1,0 होगा, कई सारे हम लोग बता सकते हैं, वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होती, अगर कंडीशन फॉल्स होती तो हमने पॉइंट लिया था नीचे, कंडीशन होगी फॉल्स तो इसके ऊपर वाला ले लेते, ये वाला क्लियर है, ये वाले इधर जितने भी होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये ही इस चैप्टर का कंसेप्ट है। अगर सुनो, अगर यहाँ पे साइन होता है इक्वल टू का भी, तो इस लाइन का जो इस ये डॉटेड नहीं होती, ये डार्क होती, और डार्क का मतलब क्या हुआ कि इस लाइन के जितने भी कोऑर्डिनेट है वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे इस लाइन पे देखो ये पॉइंट आ रहा 3,0, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, रख के देख लो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, रख के देखो x की जगह 3 तो 3 × 12, y की जगह 0 तो 12। अब यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर 12 लेस देन इक्वल टू, सर लेस देन तो है नहीं 12, 12 क्या 12 से लेस नहीं, इक्वल है ना, इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसको हम ट्रू बोल देंगे। अब जैसे ये है 2 15 के बराबर है या छोटा है, तो ये ट्रू में आएगा फॉल्स में आएगा, ट्रू में आएगा, क्यों, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, एक कंडीशन भी दोनों में से सेटिस्फाई होगी तो ट्रू होगा, दोनों होगी तो भी ट्रू होगा, अगर दोनों नहीं होती तो फॉल्स होगा। तो इस तरीके का ये था, और एग्जांपल इसमें कवर करेंगे, तो इस तरीके से ही ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, सॉरी अच्छा ये हाँ जो भी कुछ नहीं, यहाँ पे वो था ना 4 रखेंगे, 4 3 जा, ठीक है। तो देखिए अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ इसमें, अब चलिए एग्जाम्पल 10 देखते हैं, 3x-6 = 0, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ऐसे कहते हैं सबसे पहले लेट कर लो कि इक्वल्स टू 0 है, इक्वल्स टू है, तो 3x = 6, x = 2, पहले x = 2 का ग्राफ बनाएंगे, तो मान लीजिए x = 2 यहाँ 1 और 2, तो x = 2 का ग्राफ ये बनता है सिंपल सा, क्योंकि y तो है नहीं तो x पर ही जाएगा ये, तो ये हो गया x = 2 का ग्राफ। अब हमें सॉल्यूशन बताना था, अब ये इक्वल टू का साइन था इसीलिए मैंने इसको डार्क बनाया, अगर डॉटेड बनाते बनना, अब क्या करना है, इसने इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट और सेकंड, तो आप इसके इधर कोई कोऑर्डिनेट ले लो या इधर, तो एनसीईआरटी कहती सिंपल वाला लो ना, इस लाइन के इधर 0,0 है, बिल्कुल है, तो ले लो 0,0, एक्स की जगह रखो 0 और वाई तो है नहीं, ये कितना आ गया दिस, तो -6। अब बताइए जरा मुझे, क्या -6 0 के बराबर है, क्या -6 0 से बड़ा है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, आपने लिया था पॉइंट इस लाइन के इस तरफ, कंडीशन होगी फॉल्स, तो आप इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो इस ग्राफ के इस तरफ होगा। आप रख के देख लीजिए, क्या इधर कहीं 3,0 होगा, रख के देखो, चलो x की जगह 3 3 3 9, -6 3 0 से बड़ा है, बराबर है, सही बात है, कंडीशन ट्रू है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी वीडियो में मैं इसके एक्सरसाइज के भी एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो उम्मीद करना मत, तो कुछ क्वेश्चन हैं एक दो करा देता हूँ मैं एक्सरसाइज के डायरेक्ट, क्योंकि सिंपल चीज़ है ये, कंसेप्ट क्लियर करो बस आप। अच्छा जी, अब जैसे मैं एक अच्छा सा कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ एक्सरसाइज का, वो तो सब बच्चों ही वाले हैं, मैं लेता हूँ 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, -3x + 2y। अब ये है, अब मुझे इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है कि भाई क्या x और y की ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, देखते हैं भैया। तो अब देखो यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका, पहले इसको इक्वल्स टू के बराबर ग्राफ बना दो,
और ग्राफ जो आप लोग बनाएंगे अपना ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, यहाँ तो मैं ऐसे ही बस बता दे रहा हूँ एक्स एंड वाई, तो एक्स की जगह जीरो पुट करो तो टू थ्री जैसे माइनस का थ्री, वाई की जगह जीरो पुट करो तो ये टू हो गया, तो बस वन और टू माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री, तो एक्स पे जाओ जीरो वाई पे जाओ माइनस थ्री, एक्स पे जाओ टू वाई पे जाओ जीरो, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा इस तरीके। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने, ठीक है, इसके इधर एक पॉइंट लो इसके इधर एक पॉइंट लो, तो अब जीरो कॉमा जीरो इसके ऊपर आ रहा है तो यहाँ पॉइंट लेते हैं जीरो कॉमा जीरो रखो, तो जीरो प्लस जीरो, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू, क्यों, जीरो बड़ा है ना माइनस सिक्स से, तो इधर लिया था तो ये इधर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने पॉइंट्स होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे तो वो सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक लेके देख लो, चलो ये क्या है वन कॉमा जीरो रख के देखो, एक्स की जगह वन रखो तो माइनस थ्री इंटू वन, वाई की जगह जीरो, तो ये माइनस का थ्री, सही बात है माइनस का थ्री बड़ा होता है माइनस सिक्स से, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, हम एक दो लेकर दिखा देते हैं, अगर वो क्वेश्चन में दो बताओ तीन बताओ, कई सारे आप लोग बता सकते हैं, तो कुछ नहीं है इसमें। अब 6.3 में देखेंगे यहाँ पे केवल एक लीनियर इन इक्वेलिटीज थी, वहाँ पे दो हो जाएंगी, तीन हो जाएंगी, चार हो जाएंगी, उनको हम लोग कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो इसको लिख लो, कोई डाउट है तो बताइए।